भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में लोगों का तनावग्रस्त हो जाना काफी आम सी बात है। पूरा दिन काम करने के बाद लोग तरह तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं और तनाव के शिकार हो जाते हैं। फिर चिड़चिड़ापन, अनिद्रा जैसी कई समस्याएं उनके जीवन में घर कर लेती है। लेकिन जमुई में एक पुलिस पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो लगातार काम करने के बाद भी तनावग्रस्त नहीं होते। इनका कहना है कि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाकर कोई भी व्यक्ति तनाव से बच सकता है। इतना ही नहीं, अपने काम के अलावा ये साहित्य कला जैसे क्षेत्र में भी काफी रुचि रखते हैं और लोगों के बीच काम के साथ साथ प्रेम का संदेश भी देते हैं। दरअसल जमुई जिला मुख्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित डॉक्टर राकेश कुमार एक ऐसे ही पुलिस पदाधिकारी हैं जो पिछले कई सालों से न सिर्फ तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं बल्कि अपने साथ काम करने वाले पदाधिकारी को तनाव से बचने की सलाह भी देते रहते हैं। उनकी यह मुहिम अब रंग भी ला रही है और धीरे धीरे लोग तनाव से मुक्त भी हो रहे हैं। राकेश कुमार ने कहा कि आज की तारीख में हर किसी का जीवन भाग दौड़ से भरा होता है और हम कई तरह की परेशानियों से दो चार भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चाहें तो तनाव से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में योग को बहुत तरजीह देता हूं और समय निकालकर अपनी हॉबी के प्रति भी काफी सजग रहता हूं। इनका कहना है कि हर इंसान को अपने जीवन में कुछ हॉबी डेवलप करना चाहिए और अपने काम से समय निकालकर उसके पीछे समय देना चाहिए। ऐसा करने से तनाव से बच सकते हैं। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, जैसे लोग चाहें तो पढ़ लिख सकते हैं या गीत संगीत सुन सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो करना चाहें उसे करके तनाव से बच सकते हैं। हमारे विभाग में, इस विभाग में, और यूं कहें कि आजकल आम लोगों के जीवन में भी जो तनाव है बहुत व्यापक तरीके से फैला हुआ है और तनाव प्रबंधन हम कैसे करें एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। मैं जो करता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो आपसे साझा करता हूँ। जैसे मैंने अपने जीवन में योग को शामिल किया हुआ है, मेरे जीवन में योग है, संगीत है और मैं निरंतर अध्ययनशील रहता हूँ। हमेशा मैं प्रकृति के बीच में जाता हूँ। जब कभी भी थोड़ा मुझे समय मिलता है तो या तो मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं गुनगुनाता हूँ या फिर प्रकृति के बीच में रहता हूँ। तो यदि हम, मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप को तनाव से बचाना चाहता है किसी हॉबी को डेवलप करे। कुछ भी हो सकता है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, कोई भी कुछ भी हॉबी हो, किसी को एक्सरसाइज करना पसंद है, कोई भी हॉबी हो सकता है, व्हाट एवर यू लाइक। हमें उस हॉबी को डेवलप करना चाहिए और उसमें अपना पैशन, जब भी खाली समय हो उसमें समय देना चाहिए। इससे आप तनाव से मुक्त रहेंगे, साथ ही यहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास रहेंगी। देखिए, युवा हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं और मुझे लगता है कि यदि राष्ट्र को महान बनाना है तो उसमें जो हमारे युवा हैं, जो नवयुवक हैं, जो उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी है। आज के युवा कहीं ना कहीं अपने दिशा से दिग्भ्रमित होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको पहले ये समझना होगा कि आखिर वो हैं क्या और वो समाज में, राष्ट्र में और परिवार में उनकी क्या भूमिका है। आज का युवा अध्ययनशील कम है, उसको अध्ययनशील होना चाहिए, उसको अच्छी से अच्छी पुस्तकें, प्रेरणादायी कविताएं, प्रेरणादायक कहानियां पढ़नी चाहिए ताकि वो प्रेरणा ले सके, इंस्पिरेशन ले सके वहां से। आज के युवा को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि समय बहुत ही बहुमूल्य है। उनको यह भी सोचना चाहिए कि एक एक दिन क्रमित ही होता है। यदि वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे, गलत चीज़ों से, बुरी चीज़ों से बचेंगे तो जीवन में उनका जो एक विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। लोग कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक समस्याएं हैं, हम विपन्न हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे इतने बड़े संसार में संघर्षों का सामना करेंगे। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहता हूँ कि कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है जीवन में और हमेशा याद रखना चाहिए कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खमठो के ठे लेता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आदमी, आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं युवाओं के अंदर में। और क्या खूब किसी ने कहा है, रश्मि रथी में दिनकर जी ने कहा भी तो है, ये मेरा हमेशा मेरे जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहा है।
कि हम गरीब हैं, हमारे पास गद्दे नहीं है सोने के लिए, बिस्तर नहीं है। तो क्या हुआ कि कंकड़िया जिसकी से सुधर, छाया देती केवल अंबर। कंकड़िया जिसकी से सुधर, छाया देती केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोड़ी आंधियां उन्हें सुनाती हैं। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोड़ी आंधियां उन्हें सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही तो सुरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही तो सुरमा निकलते हैं। तो आप जल रहे हैं, तप रहे हैं, आपको आगे जीवन में बढ़ना है तो ये सबको भूलना पड़ेगा। और कायर को ही विपदाएं डराती हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो वापरता सब सहते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। पढ़िए, खेलिए, अपना स्वास्थ्य बनाइए और राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हमेशा चिंतनशील बने रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आज की युवाओं के लिए।